माँ के जादुई छोटे बड़े दो लहंगे। बहुत समय पहले की बात है, दिल्ली शहर के शास्त्री नगर इलाके में निर्मला और उर्मिला नाम की देवरानी जेठानी एक साथ रहती थी। निर्मला एक बहुत ही सरल और ईमानदार औरत थी। वहीं निर्मला की जेठानी उर्मिला एक बहुत ही खड़ूस, बेईमान और लालची औरत थी। उर्मिला की एक बेटी भी थी, काजल। काजल अभी केवल 2 साल की ही थी। निर्मला की शादी को 4 साल हो चुके थे, परंतु अभी तक उसका एक भी बच्चा नहीं था। निर्मला इस बात से बहुत दुखी रहती थी कि वो माँ नहीं बन पा रही है। निर्मला और उर्मिला दोनों के पति बाहर विदेश में रहते थे और वहीं से पैसे भेज दिया करते थे। एक दिन निर्मला को महसूस होता है कि उसका पेट जरूरत से ज्यादा ही बाहर हो गया है। निर्मला समझ जाती है कि अब वो माँ बनने वाली है। जब वो ये बात अपने जेठानी उर्मिला को बताती है तो वो बाहर से बहुत ही खुश होने का दिखावा करने लगती है, परंतु उर्मिला नहीं चाहती थी कि निर्मला की कोई भी संतान हो, क्योंकि उर्मिला निर्मला की सारी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना चाहती थी। जब कभी भी निर्मला उर्मिला को अपने गर्भवती होने की खबर देती, उर्मिला एक तांत्रिक के पास जाकर कोई दवाई लेकर आती और निर्मला के खाने में मिलाकर उसे दे देती थी, जिस कारण पिछले 4 साल से निर्मला को एक भी बच्चा नहीं हो रहा था। ऐसे ही दिन निकल रहे थे। एक दिन निर्मला के सपने में एक परी आती है और वो निर्मला को उर्मिला की हरकतों के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। साथ ही साथ वो निर्मला को आशीर्वाद भी देती है कि इस बार उसके 2 जुड़वा बच्चे होंगे। इस बार जब निर्मला को पता चलता है कि वो गर्भवती होने वाली है, तब वो ये बात उर्मिला को नहीं बताती। निर्मला उर्मिला से बोलती है, दीदी मैं कुछ दिनों के लिए अपने मायके जाना चाहती हूँ। पिताजी का फोन आया था कि उनकी तबीयत कुछ खराब है, तो मैंने सोचा कुछ दिनों के लिए घूम कर आऊँ। उर्मिला ये सब सुनकर खुश होने लगती है और मन ही मन सोचती है, अच्छी बात है कि ये घर से जा रही है, कम से कम इसके ना होने पर मैं अच्छा अच्छा बनाकर खा सकूंगी। मैं तो भगवान से यही दुआ करूंगी कि रास्ते में इसका कहीं एक्सीडेंट हो जाए और ये कभी घर वापस ही ना आए। उर्मिला निर्मला से कहती है, क्यों नहीं दीदी, वैसे भी आपको अपने मायके गए बहुत दिन हो चुके हैं, आराम से जाइए और कोई दिक्कत हो तो मुझे बता देना। निर्मला अपने सभी कपड़े पैक करके अपने पिताजी के यहाँ चली जाती है और कुछ दिनों बाद ही निर्मला एक साथ 2 बच्चों को जन्म देती है। निर्मला अपने दोनों बच्चों को देखकर बहुत खुश होती है। निर्मला जब ये बात फोन पर अपने पति सुरेश को बताती है तो वो विदेश से सीधे घर चला आता है। निर्मला भी अपने दोनों बच्चों को लेकर घर चली आती है। निर्मला अपने दोनों बच्चों का बहुत ध्यान रखती है। सुरेश और निर्मला अपने बच्चों के हंसते खेलते चेहरे को देखकर उन दोनों का नाम खुशी और मुस्कान रख देते हैं। सब कुछ अच्छा चल रहा था। खुशी और मुस्कान अब बड़े होकर 10 साल के हो जाते हैं। निर्मला उनके अच्छे भविष्य के लिए खुशी और मुस्कान का एडमिशन एक बड़े प्राइवेट इंटरनेशनल स्कूल में करा देती हैं। निर्मला तथा उसके बच्चों की इतनी खुशी उर्मिला से देखी नहीं जा रही थी। उर्मिला निर्मला के परिवार को खत्म करने के लिए वापस उस तांत्रिक के पास जाती है। तांत्रिक गांव के पास के जंगल में एक गुफा में रहता था। उर्मिला तांत्रिक से कहती है, बाबा आप तो जानते ही हैं, मैंने निर्मला के कितने सारे बच्चे उसके कोख में ही मार डाले, परंतु पता नहीं कैसे ये खुशी और मुस्कान इस दुनिया में आ गए। अगर ऐसा ही रहा तो बाबा मैं अपनी बेटी काजल को इस दुनिया की सबसे अमीर लड़की कैसे बनाऊंगी। मुझे निर्मला की पूरी प्रॉपर्टी पर कब्जा करना है। कृपया आप मुझे अपने काले जादू की शक्तियों से ऐसी दवाई दीजिए जिसकी मदद से उसका पूरा परिवार एक ही बार में खत्म हो जाए। तांत्रिक बाबा ये सुनकर निर्मला को काले जादू की शक्तियों से बना एक पाउडर देता है। उर्मिला वो पाउडर लेकर घर आ जाती है।
उर्मिला उस पाउडर को लड्डुओं में डाल देती है और जाकर निर्मला के कमरे में आवाज लगाती है। अरे निर्मला बहन, जल्दी आओ, मैं तुम्हारे लिए गांव के सिद्ध मंदिर से ये लड्डुओं का प्रसाद लाई हूँ। अगर तुम ये प्रसाद अपने साथ साथ अपने दोनों बेटियों को भी खिला दोगी तो भगवान का तुम्हारी दोनों बेटियों और तुम पर बहुत कृपा होगी। निर्मला उर्मिला से वो लड्डू ले लेती है और अपने कमरे में रख देती है। उर्मिला भी जाकर अपने कमरे में सो जाती है। अगली सुबह उर्मिला देखती है कि निर्मला के कमरे से रोने की बहुत तेज तेज आवाज आ रही है। फिर उर्मिला जल्दी जल्दी निर्मला के कमरे में जाती है। चाची जी, देखिए ना, पता नहीं माँ को क्या हो गया, वो कुछ बोल नहीं रही है। उर्मिला ये देखकर बहुत खुश होती है। वो निर्मला के पास जाकर देखती है कि अब वो इस दुनिया में नहीं रही। उर्मिला मन ही मन सोचती है, ये खुशी और मुस्कान की बच्ची कैसे जिंदा बच गई? मैंने तो निर्मला को पूरे 3 लड्डू दिए थे। तभी उर्मिला का ध्यान साइड में रखे 2 लड्डुओं पर जाता है और वो सब समझ जाती है कि जरूर बच्चों ने लड्डू नहीं खाए। उर्मिला मन ही मन कहती है, कोई बात नहीं, मैं इस खुशी और मुस्कान को अपना नौकर बनाकर रखूंगी और अपनी बेटी काजल को महारानी की तरह। उर्मिला बच्चों से कहती है, प्यारे बच्चों, तुम्हारी माँ अब इस दुनिया में नहीं रही, वो स्वर्ग में परियों के पास चली गई है। चाची जी, कृपया ऐसे ना बोलिए, हमारी माँ हमें छोड़कर कहीं नहीं जा सकती, जरूर इन्हें नींद आ रही होगी, अभी थोड़ी देर में उठ जाएंगी। तुझे समझ नहीं आता कि अब तेरी माँ इस दुनिया में नहीं रही? और हाँ, अब ये रोना धोना बंद करो और चुपचाप अपनी माँ का अंतिम संस्कार करके मेरे साथ चलो। उर्मिला बच्चों के साथ जाकर निर्मला का अंतिम संस्कार कर देती है और घर आकर निर्मला के पति रमेश को सारी खबर फोन पर सुनाती है। रमेश ये सब सुनकर बहुत दुखी होता है, परंतु किसी कारणवश वो विदेश से अपने घर नहीं आ सकता था। रमेश, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी दोनों बेटी खुशी और मुस्कान की पूरी जिम्मेदारी मैं अपने सर लेती हूँ, आखिर उनकी चाची होने के नाते मैं उनका इतना तो ध्यान रख ही सकती हूँ। ये सब सुनकर रमेश के दिल को जरा तसल्ली मिलती है। यहाँ शुरुआती दिनों में तो उर्मिला खुशी और मुस्कान का अच्छे से ध्यान रखती है, परंतु कुछ दिनों बाद ही वो अपने असली रंग रूप में आ जाती है। सुनो मनहूस लड़कियों, अब बहुत दिन हो गए तुम्हें फ्री का खाते खाते, आज से तुम दोनों के घर के कामों में मेरी मदद करनी होगी। हाँ खुशी, तुम पूरे घर का झाड़ू पोछा करोगी और मुस्कान तुम मेरे और बेटी के लिए कल से नाश्ता तैयार करोगी। परंतु चाची जी, मुझे तो नाश्ता बनाना आता ही नहीं है, कृपया आप मुझे कोई और काम दे दीजिए ना। ज्यादा बहाने मारने की जरूरत नहीं है, रोटी तो बड़ी जल्दी जल्दी खा लेती है तू, और काम करने में बहाने बना रही है। मुझे नहीं पता कि तू कैसे नाश्ता तैयार करेगी, परंतु कल से तुम दोनों अपने काम पर लग जाना। और इस तरह उर्मिला खुशी और मुस्कान पर तरह तरह के अत्याचार करना शुरू कर देती है। उर्मिला खुशी और मुस्कान का स्कूल भी छुड़वा देती है। अब खुशी और मुस्कान सुबह सुबह उठकर ही अपने अपने कामों में लग जाते हैं। घर के सभी काम करके खुशी और मुस्कान किचन में खाना लेने जा रही होती है कि तभी उन्हें पीछे से उर्मिला रोक लेती है। कहाँ चोरी छिपे किचन की ओर जा रही हो मनहूस लड़कियों? कहीं नहीं चाची जी, हम बस अपने लिए खाना परोसने जा रहे थे। तुमने जरा सा भी मुझसे पूछने की जरूरत नहीं समझी जो खुद किचन में खाना परोसने आ गई? सुन खुशी की बच्ची, फ्रिज में कल की 2 रोटियां रखी होगी, वही दोनों एक एक खाकर चुपचाप सो जाओ, तुम्हारे लिए आज खाना नहीं बचा है, मैंने अपने और बेटी के लिए बाहर से ही खाना मंगवा लिया था। इतना कहकर उर्मिला वहाँ से चली जाती है। तभी मुस्कान अपनी बहन खुशी से कहती है, दीदी, चाची हम पर कितना अत्याचार करती है, हम पूरा दिन घर का काम करते हैं और बदले में रूखी सूखी एक टाइम का रोटी देती है वो खाने के लिए हमें, और पहनने के लिए भी वो अपनी बेटी काजल के पुराने कपड़े ही देती है। अगर पिताजी की ये जिद ना होती कि हम चाची के साथ रहे तो आज हम कहीं बाहर अच्छे से रह रहे होते। हाँ मेरी प्यारी बहन, तू तो सही कह रही है, परंतु हम कर भी क्या सकते हैं, हमें रूखा सूखा खाकर ही यहाँ चाची के साथ रहना पड़ेगा जब तक हमारे पिताजी विदेश से नहीं आ जाते। ऐसे ही दिन प्रतिदिन उर्मिला खुशी और मुस्कान पर अत्याचार करती रहती।
एक दिन उर्मिला और काजल बैठे बैठे आपस में कुछ बातें कर रहे थे। माँ, परसों मैं बुआ जी की बेटी की शादी में सबसे अच्छा दिखना चाहती हूँ और मैं शादी में जाने के लिए पूरे 10,000 वाला लहंगा लूंगी। क्यों नहीं मेरी प्यारी बेटी, तो जिस पर अपना हाथ रख देगी मैं तुझे वही लहंगा दिलवा दूंगी। उर्मिला काजल को सबसे महंगा और ब्रांडेड लहंगा दिलवाने के लिए हाँ कह देती है। कुछ समय बाद उर्मिला और काजल लहंगा लेने मार्केट जा रहे होते हैं। चाची जी, आप मार्केट जा रहे हैं ना? मेरा और मुस्कान का भी कपड़ा बहुत पुराना हो गया है और फट भी गया है, कृपया हमारे लिए भी कोई सस्ते से दो लहंगे लेते आना। परसों बुआ जी की बेटी प्रियंका की शादी है तो हम भी वहाँ लहंगा पहनकर जाना चाहते हैं। हाँ पता है, परंतु प्रियंका की शादी में तुम दोनों बहने नहीं जाओगी। शादी में तो केवल मैं और मेरी बेटी काजल ही जाएगी और मैं अपनी बेटी काजल के लिए ब्रांडेड लहंगा लेने जा रही हूँ। तुम दोनों घर पर ही रहकर घर का ध्यान रखना। अब चल जाए यहाँ से, बहुत सारे कपड़े धोने को रखे हैं, उन्हें धो दियो। और तू मुस्कान, सभी कपड़ों पर प्रेस कर दियो। इतना कहकर उर्मिला और काजल मार्केट के लिए निकल जाते हैं। बेचारे खुशी और मुस्कान अपने अपने कामों में लग जाती हैं। घर के सभी काम खत्म करके खुशी और मुस्कान अपने कमरे में बैठे होते हैं, तभी उन्हें एक आवाज आती है। अरे कहाँ मर गई दोनों लड़कियाँ, हम मार्केट से आ चुके हैं, जल्दी से हमारे लिए फ्रेश जूस और कुछ खाने को लेकर आओ। इतना सुनकर खुशी उर्मिला और काजल के लिए जूस लेकर आती है। सुन खुशी, मैं और मेरी बेटी बाहर से खाना खा कर आई हैं, इसलिए आज घर में कुछ नहीं बनेगा, तुम दोनों आज भूखे पेट ही सो जाना। तभी अचानक से काजल बोल पड़ती है। अरे भूखे पेट क्यों माँ, आपने हमारे कुत्ता टोमी के लिए जो दो रोटियाँ रखी थी वो टोमी ने नहीं खाई, हम इन दोनों बहनों को वही रोटियाँ खाने के लिए दे देते हैं। ये सुनकर खुशी बहुत उदास होती है कि उनकी चाची उनके साथ कितना बुरा व्यवहार करती है, एक कुत्ते की रोटी हमें खाने के लिए दे रही है। खुशी चुपचाप अपने कमरे में जाकर भूखे पेट ही सो जाती है। ऐसे ही सुबह हो जाती है और आज शादी का दिन भी आ जाता है। उर्मिला और काजल दोनों सुंदर सुंदर लहंगे पहनकर शादी के लिए निकल जाते हैं। खुशी और मुस्कान दोनों बहनें दूर खड़े होकर ये सब देख रही होती है। खुशी मुस्कान से कहती है, दीदी मेरा बुआ जी की बेटी की शादी में जाने का बहुत मन है, मैं भी सभी की तरह अच्छे अच्छे लहंगे पहनकर शादी में जाना चाहती हूँ, आखिर वो हमारी भी तो बुआ ही लगती है ना। परंतु दोनों बहनें कुछ नहीं कर सकती थी, वो दोनों चुपचाप अपने कमरे में जाकर अपनी माँ की तस्वीर के सामने रोने लगती है। माँ आप तो स्वर्ग से सब देख ही रही होंगी कि चाची जी हम पर कितना अत्याचार कर रही है, वो हमसे पूरा दिन अपने घर का काम करवाती है और बदले में बची कुछ ही रोटी देती है। माँ हम अपने जिंदगी से बहुत परेशान आ चुके हैं, कृपया आप हम दोनों बहनों को भी अपने पास बुला लीजिए, आपके जाने के बाद पिताजी भी विदेश से नहीं लौटे हैं और यहाँ चाची हमें पाई पाई के लिए तरसा रही है, इस जुलुम भरी जिंदगी से अच्छा है आप हमें भी अपने पास परी लोग बुला लीजिए। खुशी ये सब कहकर अपनी माँ की तस्वीर के आगे रो रही होती है कि तभी अचानक से उसके कमरे में एक प्रकाश होता है और उसकी माँ की तस्वीर से उसकी माँ की आत्मा बाहर आ जाती है। मेरी प्यारी बच्चियों, तुम्हें उदास होने की जरूरत नहीं है, तुम प्रियंका की शादी में जरूर जाओगी। नहीं माँ हम नहीं जा सकती, आप तो सब देख ही रही है ना कि हमारे पास कितने फटे पुराने कपड़े हैं। वहाँ शादी में सभी लोग अच्छे अच्छे कपड़े पहनकर आएंगे और अगर गलती से चाची जी ने हमें वहाँ देख लिया तो वो घर आकर हमारी बहुत पिटाई करेगी। तुम चिंता मत करो मेरी बच्चियों, मैं तुम्हें जादुई दो छोटे बड़े लहंगे दे रही हूँ, ये लो, ये छोटे वाला लहंगा मेरी प्यारी बेटी मुस्कान के लिए और ये बड़ा वाला तुम्हारे लिए खुशी। इन जादुई दो छोटे बड़े लहंगों की मदद से तुम दोनों बहनें कुछ भी मांग सकती हो। ये जादुई लहंगा तुम्हें अपने जादू की मदद से चुटकियों में कहीं भी पहुंचा सकता है और तुम जादुई लहंगे को पहनते ही दो सुंदर राजकुमारियों में बदल जाओगी और तुम्हें कोई पहचान भी नहीं पाएगा। परंतु ध्यान रहे,
ये जादुई लहंगा गलती से भी किसी लालची इंसान के हाथ ना पड़े, नहीं तो उसके साथ बहुत बुरा होगा। खुशी और मुस्कान अपनी माँ को बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है, माँ आप बहुत अच्छी हो। सच कहते हैं कि एक माँ की जगह इस दुनिया में कोई नहीं ले सकता। आपने हमें ये जादुई दो लहंगे देकर हमारी जिंदगी में रंग भर दिए हैं। इतना कहकर निर्मला की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है। खुशी और मुस्कान भी जाकर वो जादुई लहंगे पहन लेती है। खुशी और मुस्कान जादुई लहंगे से कहती है, ए जादुई फ्रॉक, जल्दी से हम दोनों बहनों को बुआ जी के घर पहुँचा दो। इतना कहते ही खुशी और मुस्कान बुआ जी के शादी में पहुंच जाती है। फंक्शन में सभी लोग खुशी और मुस्कान को ही देख रहे होते हैं। खुशी और मुस्कान बिल्कुल राजकुमारी की तरह दिख रही थी। फंक्शन में सभी की नज़र खुशी और मुस्कान से हटती ही नहीं है। निर्मला और काजल भी उन्हें पहचान नहीं पाती और खुशी और मुस्कान पार्टी को अच्छे से एंजॉय कर उर्मिला और काजल से पहले घर पहुँच जाती है। अब खुशी और मुस्कान की जिंदगी बहुत अच्छी हो गई थी। वे दोनों जादुई लहंगों से कहकर घर के सभी काम चुटकियों में कर लेती थी। मुस्कान भी जादुई छोटे लहंगे से अपने लिए तरह तरह के खाने का सामान मंगवा लेती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। तभी एक दिन काजल अपनी माँ से कहती है, माँ क्या आपने गौर नहीं किया, पिछले कुछ दिनों से खुशी और मुस्कान बहुत खुश नजर आ रही है। जरूर इनके हाथ कोई खजाना लगा है, हमें इन पर नजर रखनी होगी। ऐसे ही आपस में कुछ देर बातें करने के बाद उर्मिला और काजल चुपके से खुशी और मुस्कान के कमरे में झांक रही होती है। मेरी प्यारी बहन, माँ के जादुई दो छोटे बड़े लहंगों की मदद से हमारी जिंदगी तो बहुत अच्छी हो गई है। मैं तो सोच रही थी क्यों ना हम इस जादुई लहंगे से कहकर अपने लिए एक अच्छा सा घर भी मांग ले और इन चाची के घर से जल्दी छुटकारा पा ले। काजल और उर्मिला ये सब सुन लेती है और गुस्से से दोनों बहनों के सामने आ जाती है। मनहूस लड़कियों, तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मुझसे छुपाकर ये जादुई लहंगे अपने पास रखने की? और हाँ खुशी, तू क्या बोल रही थी कि तुम उसे पीछे छुड़ाना चाहती है और मैं तुझ पर बहुत अत्याचार भी करती हूँ। उर्मिला खुशी और मुस्कान पर बहुत गुस्सा करती है और उन दोनों से वो जादुई लहंगे छीन लेती है। उर्मिला और काजल जल्दी से वो लहंगा पहन लेती है। लहंगा पहनते ही उर्मिला और काजल दो बंदरिया में बदल जाती है। उर्मिला और काजल वो लहंगा पहनकर एक दूसरे को देखने लगते हैं कि वो एक बंदरिया में कैसे बदल गए। तभी उर्मिला खुशी से कहती है, ये तुमने हमारा क्या हाल बना दिया, हम एक बंदरिया में कैसे बदल गए? जल्दी से हमें ठीक कर दो, नहीं तो तुम्हारी खैर नहीं। चाची जी, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, आपने हमसे जबरदस्ती छीनकर वो लहंगा पहन लिया जिसकी सजा आपको मिली है। हमारे हाथ में कुछ नहीं है, अब शायद जिंदगी भर आप दोनों ऐसे ही बंदरिया में बदले रहो। ये सब सुनकर उर्मिला और काजल को अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है और वो खुशी और मुस्कान से माफ़ी मांगने लगती है। तभी एक जोरदार प्रकाश होता है और निर्मला वहाँ प्रकट हो जाती है। एक बंदरिया बनके तुम्हें कैसा लग रहा है उर्मिला बहन? मैंने स्वर्ग से अपनी बेटियों पर इतना अत्याचार होते देखा, परंतु मैंने तुम्हें कभी कुछ नहीं कहा, लेकिन जब तुमने इन्हें एक कुत्ते की रोटी खाने को दी तो मुझसे रहा नहीं गया। अब एक बंदरिया बनकर तुम्हें एहसास हो जाएगा कि भूख लगने पर एक एक रोटी की क्या कीमत होती है। और इस तरह दोनों बंदरिया वहाँ से चली जाती है और खुशी और मुस्कान हंसी खुशी अपने घर में रहने लगते हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी ये कहानी, मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। और हाँ दोस्तों, अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से नीचे लाल बटन दबाकर अभी सब्सक्राइब कर ले। तो मिलती हूँ आप सभी से फिर किसी नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय दोस्तों।